इधर जींद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सांसद बृजेंद्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई है। रिपोर्ट दर्ज कराते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने इनाम देने की भी घोषणा की है। किसान नेताओं ने कहा कि वो पिछले 23 दिनों से अपनी मांगों को लेकर उचाना में धरना दे रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम और सांसद दोनों ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की, कोई सुध नहीं ली। किसानों ने पहले भी कुछ पोस्टर और बैनर लगाए थे जिसमें डिप्टी सीएम की गुमशुदगी और सांसद बृजेंद्र सिंह की गुमशुदगी की बात लिखी थी और उन्होंने चेतावनी दी थी कि वो थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे, और अब उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। किसानों का कहना है कि ये नेता उचाना में दिखाई ही नहीं देते हैं, ऐसे में उन्हें शक है कि कहीं ये दोनों नेता गुम ना हो गए हों। किसानों ने दुष्यंत चौटाला और बृजेंद्र सिंह का हुलिया भी पुलिस को दिया है। आज हमारा एक प्रदर्शन था, जो हमारे जो हल्के के विजेंद्र है और एमपी है जो और एमएलए है, दोनों गायब हैं लंबे टाइम तक। उसकी आज गुमशुदगी की हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है। कल सारा हल्का में मतलब हमने पेपर लगवाए थे तो भी जो भी इनकी ढूंढ कर ले आवेगा उसकी उचित इनाम देवांगे। तो सोचने की बात है, यहाँ पर आपने बेरा है तहसील में तहसीलदार नहीं, एसडीएम नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, और जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर नहीं, यानी जहाँ खिलाड़ी हैं वहाँ स्टेडियम नहीं। ऐसी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो मुद्दे हैं, यानी जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर भी यह सरकार एमपी और एमएलए दोनों काम नहीं कर रहे, इसलिए उनकी हमने गुमशुदगी की आज रिपोर्ट कराई है। आज हमारा 23 दिन से धरना चला हुआ है इस कड़ाके की ठंड में। जो हमारी मांगे है, इलाके के पूरे इलाके की मांगे, उसको लेकर हमने धरना दिया है। हमारी मांगे है कि अस्पताल के अंदर डॉक्टर को नहीं, नहरों में पानी को नहीं, तहसील के अंदर तहसीलदार को नहीं, खिलाड़ियों के लिए खेल स्टेडियम को नहीं, विद्यार्थियों के लिए सरकारी कॉलेज को नहीं। और हमारी 30 साल पुरानी है कि ढैकल हेड से एक माइनर निकाल के बरसोला माइनर में और सुरक्षित माइनर में डाला जाए। इसके अलावा जो खेड़ा गुरुकुल है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, यूरिया खाद की कमी को पूरा करवाया जाए। ये हमारी समस्याएं, इन्हीं समस्याओं को लेकर हमने 23 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ का सांसद और विधायक जो उचाणा हल्के की बदौलत डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा है, लेकिन हमारी मांगों की 23 दिन से कोई सुनाई नहीं की है।